आई डिफाइन द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल। डायमेंशन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एम मेंस 2002 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। डायमेंशन हम लोग जानते हैं, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फार्मूला से निकालते हैं ना, रट के तो कभी याद होगा नहीं उतना सारा। तो देखो, ये डायमेंशन निकालने के लिए पहले तो हर एक का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। और ये सबका फार्मूला एक्चुअली अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, ऐसे इस चैप्टर में भी था, अगर याद कर सकते हो तो कम से कम 100 फार्मूला दिया हुआ है। अगर बुक खोलोगे ना तो बुक में मिल जाएगा 100 को फार्मूला, वर्क का, स्ट्रेस का, एनर्जी का, फोर्स का, सारा चीज का मिल जाएगा। लेकिन रट करके कुछ याद होता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते सब अपने याद हो जाता है, तो इसीलिए हम वो सब लिखवाए नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखो, टॉर्क और वर्क यूज हुआ है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है, टॉर्क हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, 2-3 चैप्टर बाद ही पढ़ लेंगे हम लोग। टॉर्क होता है टाउ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क होता है जैसे कोई यहाँ पर एक मान लो कि कुछ रड गड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको घुमाना है, ठीक है, इस रड को घुमाना है, तो यहाँ पर हम लोग धक्का देंगे, तो यहाँ पर तुम फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, तो ये फोर्स और डिस्टेंस दोनों मिलकर क्या हो जाता है, टॉर्क बन जाता है। टॉर्क का काम क्या है, किसी चीज को घुमाना। फोर्स का काम होता है आगे बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर टॉर्क लगा रहे हैं इसको घुमाने के लिए, इस रड को घुमा दे, इसलिए तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, कल पढ़े थे हम लोग। और डिस्टेंस का क्या होगा, लेंथ एल ना, बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। उसके बाद वर्क है, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिर से सेम वही आ गया ना, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का एल, तो फिर से आ गया हम लोग का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये दोनों का तो सेम हो गया। आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशन आर इक्वल, तो पहले वाला ऑप्शन हो गया ना सही। सेकेंड वाला देखो, बी वाला, बी में स्ट्रेस, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। कल पिछला दिन तो पढ़ाया था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, एक था ना यंग मॉडुलस जिसको बोलते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी उसको बोलते हैं। तो स्ट्रेस में तो हम लिखे थे कल फोर्स बटा एरिया, फोर्स का फिर से क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, और एरिया का एल स्क्वायर, एम एल टी माइनस टू। एल का पावर कितना हो जाएगा, 1-2 हो जाएगा ना, नीचे तो पावर घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1-2 -1, ये हो गया स्ट्रेस का। उसके बाद एनर्जी है, एनर्जी वही वर्कडन को ही एनर्जी बोलते हैं, जितना एनर्जी हुआ उतना ही तुम काम करोगे, है ना। तो वर्क का फिर से फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल, ये फिर से बन गया एम एल एस बार टी माइनस टू, ठीक है। वाला चेक करो सी, फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, देख रहे हो ना, फोर्स का याद रखने से मैक्सिमम बन जाता है क्वेश्चन। और स्ट्रेस का फिर है, स्ट्रेस का फिर हम लोग निकाल चुके हैं, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, मतलब ये सब मैच नहीं कर रहा है। उसके बाद एक लास्ट वाला का निकालो, फोर्स और वर्क, फोर्स का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, और वर्क का, वर्क का हम लोग निकाले थे ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक है।